अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ आप लोगों की अपनी साइलेंट गर्ल। आई थिंक आपने टिकटॉक पे तो अक्सर ही देखा होगा मुझे, अब तो मुझे पूरा पाकिस्तान जानता है। तो गाइस, आज मैं एक ऐसे बंदे की बात करने आई हूँ जो कि इंसानियत तो उसमें खैर है नहीं, तो बाकी वो आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर डंकी गदा। समझ तो आप लोगों को लग ही गई होगी, क्योंकि भाई तो मैं उसे कहना पसंद ही नहीं करती, क्योंकि इस तरह का मेरा कोई भाई होता ना तो मैं तो लाख की भेजती उस पर। तो दूसरी बात ये है कि जैसे वो लड़कियों की वीडियोस पकड़ के रोस्टिंग करता है, तो ये तो टैलेंट नहीं है मेरे ख्याल में। मुकाबला किया जाता है अपने जैसे से, ठीक है। मुकाबले का एक मयार होता है, मयार से मुराद के मुकाबला हम, अगर मैं मुकाबला करने पे उतरती हूँ ना, तो मेरे सामने भी कोई लड़की हो और मेरे जैसी ही हो, मुझे उसका मुकाबला करने में मज़ा आएगा। तो ये बंदा समझता है कि ये लड़कियों की रोस्टिंग पकड़ के करता है टिकटॉक पे, तो ये नाम बना नहीं सका बेचारा यूट्यूबर, पर भीख मांग मांग के सब्सक्राइब कर दो, भीख मांगता फिरता है सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो, सबकी इज्जतें उछालता फिरता है। तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। इसने मुझ पर एक वीडियो बनाई, मैं चुप रही, दूसरी बनाई, अब मैं मुकाबले पर उतर आई हूँ डंकी गधे, अब मैं मुकाबले पर उतर आई हूँ, अब तू जितनी बनाएगा ना उससे डबल मैं बनाऊँगी, ठीक है। क्योंकि मैं चुप थी इसलिए मैंने कहा चल ठीक है, एक उसने कर ली है वीडियो, कोई बात नहीं है। अब दोबारा तुमने फिर मुझ पे वीडियो बनाई है, अब जितनी वीडियो तू बनाएगा ना उतनी वीडियो मैं भी बनाऊंगी, और मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बात कहूंगी ना कि तू खुद छोड़ेगा मुझ पे वीडियो बनाना, ठीक है, मतलब कि हर लड़की पे वीडियो बनाना। और दूसरी बात ये है कि तेरे घर में भी माँ बहन होगी, ठीक है, जो तुम्हारी ये वीडियो देखती होगी, जब तुम किसी औरत को बुरा भला कहता है तो वो देखती तो होंगी, तेरी माँ तो शर्मिंदा होती होगी कि किस नमूने को मैंने पैदा कर लिया है, ठीक है ना। तो तू काम का ना काज का बस यूट्यूबर पे आ गए, यूट्यूब पे आके भोंकता ही रहता है सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो। हाँ तो होती है वैसे, सब्सक्राइब वैसे भी ले सकता है तू, ऐसे भीख मांगने से क्या होगा है, सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो। मैं हूँ आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर डंकी गदा डड्डू के मुँह वाला। और दूसरी बात कि तुमने मुझे ना बहुत होले समझा हुआ था, तो मैं जब मुकाबले पे उतर आती हूँ ना, पहली बात तो कि मैं किसी का मुकाबला करना पसंद ही नहीं करती, ठीक है, क्योंकि मेरे लेवल का कोई बंदा हो तो ठीक है। तुमने मुझे यूट्यूब पर मेरी रोस्टिंग की है ना, अब तू नेक्स्ट वीडियो डाल मुझ पर, मैं तेरी ऐसी रोस्टिंग करूँगी ना, मैं एक लड़की हो गया ऐसी रोस्टिंग करूँगी ना, पूरा पाकिस्तान तेरी शक्ल देखेगा, फिर तालियां भी बजाएगा किसी लड़की ने डंकी गधे की रोस्टिंग की है, ठीक है। मेरे ख्याल में तू मतलब कि इतनी फीलिंग्स तो आ रही होंगी तुझे ना ये मेरी वीडियो देख के, थोड़ी बिस्ती वाली, कि एक लड़की ने हो के मतलब एक लड़की ने तुम्हारी रोस्टिंग की है। अभी तो मैंने रोस्टिंग की नहीं है वैसे, अभी तो जस्ट मैं तुम्हें समझा रही हूँ इस वीडियो में। मेरा मकसद ये है कि लड़कियों पे वीडियो बनाना छोड़ दो, लड़कियों की ऐसे फजूल रोस्टिंग करना छोड़ दो। पहली बात तो ये, मैंने टिकटॉक पे कभी कोई बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं की, ठीक है। और दूसरी बात ये, मैंने कभी ऐसा वैसा ड्रेस नहीं डाला, ठीक है। मेरा एक कॉन्टेंट है वो मैं अपनी वॉइस पे वीडियोज़ बनाती हूँ, शेयर बोलती हूँ, एक मैंने ट्रेंड सेट किया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये, हर लड़की की अपनी अपनी मतलब कि हर लड़की की अपनी ज़िंदगी है, जो करता है वो भरता है। अगर तुम किसी के बारे में वीडियो बनाओगे ना तो अगला बंदा भी तुम्हारे मुकाबले पे उतरेगा, जैसे कि अब मैं उतर आई हूँ, ठीक है। अब तुम मुझ पे बनाओगे ना तो डंकी गधे याद रखी, तेरी मैं ऐसी वाट लगाऊंगी ना तू याद करेगा ज़िंदगी में, ठीक है। तू पता नहीं खुद को क्या समझ बैठा है, तो तुझे कोई ऐसा मिला नहीं है जो तेरा मुकाबला करे, लेकिन मैं तेरा मुकाबला करूँगी, क्योंकि टिकटॉकरों में तो इतनी हिम्मत नहीं है, वो तो बस टिकटॉक पर ही भोंक सकते हैं, सब टिकटॉक पर ही सब करते हैं ये वो फ्लांटिंग, यहाँ पे आकर तेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं करूँगी, ठीक है, मैं करूँगी। और मैं तुम्हें बताऊँगी भी कि जुगते सिर्फ तू नहीं मार सकता, रोस्टिंग सिर्फ तू नहीं कर सकता, हम भी कर सकते हैं। तेरी शक्ल तो ऐसी है जैसे मतलब कि तेरी वीडियो में ऐसी शक्ल आती है जैसे कोई टी कर रहा हो, लख की लानत है तुम पे है डड्डू के मुंह वाले। मेरा तो दिल करता नमक मिर्च तुम्हारे मुंह पे छोड़ के ना तो ऊपर ना कीड़े मकोड़े फेंक दूँ, फिर तुझे पता चले रोस्टिंग कैसे होती है। शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं है रही तुम्हें, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो जस्ट मैंने तुम्हें समझाने के लिए ये वीडियो डाली है कि मुझ पर अब वीडियो बनाना बंद कर दो। मैं मुकाबले पर उतर आई तो बहुत बुरा होगा, ठीक है ना। और जैसे तू कहता ना मैं आप लोग का अपना फेवरेट यूट्यूबर डोंकी गधा, तो मैं फिर तुम्हें गधे से उल्लू का पट्ठा और पट्ठे से मैं तुम्हें पता नहीं क्या कुछ बना सकती हूँ, याद रखना मेरी बात, समझ आई है ना। मैं चुप थी सिर्फ इसलिए पहले मैं तुम्हें देख रही थी तुम्हारी शक्ल के, अपनी ये मनहूस टट्टी जैसी शक्ल दिखा दिखा के तुम क्या करते हो, ठीक है, लेकिन अब नहीं, अब एक बनाओगे और दो वीडियो मेरी तरफ से आएंगी और उनमें तेरी ऐसी वाट लूंगी ना डंकी गधे कि तू याद करेगा।
मुकाबला अब करना है तूने मेरा यूट्यूब पर, ठीक है? मैं मुकाबले के लिए रेडी हूँ, तूने भी मेरा मुकाबला करा। तू बहुत बड़ा खुद को समझता ना, बहुत बड़ा रोस्टर, कि तू लड़कियों की वीडियो रोस्ट करता है। तो अब तुम्हें मैं बताऊँगी कि रोस्टिंग क्या होती है, ठीक है? मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी, और मेरा अब तुमने मुकाबला करना है। डंकी गधे, गधे गधा है तू, गधा, टट्टी जैसी शक्ल है तेरी, ठीक है? बंदरों जैसी बोली है तेरी, हैं? और खुद को समझता है तू बहुत बड़ा टोस्टर है। रोस्टिंग करनी है ना तो अपने पाकिस्तानियों की नहीं, किसी और की कर। पता चले कि तू वाकई पाकिस्तानी है, अपने ही पाकिस्तानियों की पकड़ के। तो अपने पाकिस्तानियों की ऐसे बेहुदा किस्म की उन पे वीडियोस बनाते हो। फ्रांस में जब कोई, फ्रांस में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की गई, उनकी शान में गुस्ताखी की गई, तब तुझसे वीडियो नहीं बनी यूट्यूब पर, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट था, अकाउंट तुम्हारा बैन हो सकता था अगर तुम उनके खिलाफ वीडियोस बनाते। लख की लानत, और तुम पाकिस्तानी नहीं हो, ठीक है? तुम पाकिस्तानी हो ही नहीं, इतने बड़े यूट्यूबर हो गए, तुमने वो नमूसे रिसालत पर कोई वीडियो नहीं बनाई, समझ आई है? और अब तुम रोस्टिंग अगर मेरी करेगा ना, तो काका अब ध्यान रखी तेरी रोस्टिंग मैं कैसे करती हूँ। अब तू याद करेगा कि किसी लड़की के साथ पाला पड़ा था मेरा, और वो भी बाबा जी सियालकोट साइलेंट गर्ल। तो बाकी गाइस, अगर तो आप मेरी बातों से एग्री करते हैं कि इसको छोड़ देनी चाहिए ऐसे यूँ फजूल लड़कियों की रोस्टिंग करना, ठीक है? करे, मैं नहीं कहती ना करे, लेकिन ऐसे लड़कियों को नहीं। जो लड़कियां अच्छी हैं उनकी रोस्टिंग मत करे, ठीक है? जो हाँ, जो वल्गर ड्रेस डालती हैं या बैड लैंग्वेज यूज़ करती हैं उनकी करे रोस्टिंग, मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन जो लड़कियाँ अच्छी हैं ये उनकी रोस्टिंग करेगा ना, तो इसका मुकाबला फिर मैं करूँगी। और जो जो बंदा मुझसे एग्री करता है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए, और मैं नहीं कहती मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो अल्लाह पाक ने इज्जत देनी होती है, ठीक है ना? सिर्फ भीख मांग के कुछ नहीं मिलता इंसान को। और मैंने तो बाकी ठीक है गाइज, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।